नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डाल। माई पीताम्बरी के पावन मंत्रों की सुगंध से महक उठी निर्मल ट्राप्ती नदी। इस नदी का प्राचीन नाम इरावती नदी रहा। पीताम्बरी के पावन मंत्रों की सुगंध से महक उठी निर्मल ट्राप्ती नदी। इस नदी का नाम प्राचीन इरावती नदी रहा। ये नदी धर्म व आध्यात्म की महासंगम मानी जाती है। बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहज के निकट ये लगभग 640 किलोमीटर लंबी पावन नदी घाघरा नदी से मिल जाती है। भगवान बुद्ध से इस नदी की कहानी जुड़ी हुई है। सत्य साधक ब्रजेंद्र पांडे गुरु जी ने श्रावण माह में लोक कल्याण के लिए यहाँ किया यज्ञ। माँ पीताम्बरी स्तभन की देवी है। सारे ब्रह्मांड की शक्ति मिलकर भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। मंगल युक्त चतुर्दशी की अर्धरात्रि में इसका प्रादुर्भाव हुआ। माई को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। माई पीताम्बरी से की गई कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं होती। राजा हो या रंक, माँ के नेत्र सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा, माँ पीताम्बरी की उपासना करने वाले साधक के सभी कार्य बिना व्यक्त किए पूर्ण हो जाते हैं और जीवन की हर बाधा को वो हंसते हंसते पार कर जाता है। रमाकांत पन की रिपोर्ट। इन बारे में तो कहीं जान पर अब हम के नमस्कार कौन है और आई नाम लेवे बुला ले तो अच्छी बात नहीं है। गुरु की आयु नहीं देखनी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।